पूरा देश आज 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आज दुनिया भारत के शौर्य और सैन्य ताकत की अद्भुत झलक देखेगी। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। राजपथ पर आज भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की झांकी के साथ सैन्य ताकत का अनोखा नजारा दिखेगा। इस बार राजपथ पर चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों का भी जलवा दिखेगा। सुखोई के साथ अत्याधुनिक विमानों का फ्लाई पास्ट भी देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो मुख्य अतिथि हैं। राजपथ पर इस बार देश के 16 राज्य और 6 मंत्रालय परेड में हिस्सा लेंगे। परेड के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई टीमें राजधानी में तैनात हैं। पैरामिलिट्री की 48 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 17,000 जवानों के अलावा 2,700 पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया है। 10,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2019 के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इस बार किसी भी सैनिक को अशोक चक्र और कीर्ति चक्र नहीं दिया गया। इस साल 6 सैनिकों को उनके अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 111 सैनिकों को वीरता के लिए सेना मेडल मिला है। 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स के नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सोमवीर सिंह 22 फरवरी 2019 को 3 आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पाने वालों में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हैं, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आनंद महिंद्रा, पीवी संधू समेत 16 जाने माने लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में लंगर बाबा, जगदीश आहूजा, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश गणतंत्र के लोगों से ही चलता है। भारत की शक्ति नागरिकों में ही निहित है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहें। आंदोलनकारी गांधी का मंत्र याद रखें। राष्ट्रपति कोविंद ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अहम बताया। उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल किया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य योजना बन गई है। गगनयान मिशन के लिए भी उन्होंने बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को बांटने और संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है। संसद के बजट सत्र के मद्देनजर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे उठा रही है। राहुल गांधी 28 जनवरी को जयपुर और 30 को वायनाड में सीए के खिलाफ होने वाली रैलियों में सरकार पर सीधा हमला बोलेंगे। पीएम मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई देने के लिए फोन किया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कृषि, जल और स्टार्टअप के क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भविष्य की योजनाओं के साथ संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह का आयोजन जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू सुबह 10 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। मुख्य समारोह के लिए किलेबंदी कर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है। एयरपोर्ट और जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी मल्टी टियर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य में 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के चेयरमैन भी अपने इलाकों में तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले भारतीय सेना को आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। साउथ कश्मीर से हिजबुल का सफाया हो गया है। शनिवार को पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में जैश का स्वघोषित कश्मीर चीफ कारी यासिर और बुरहान शेख शामिल है। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े हमले की तैयारी में थे। यासिर पिछले साल पुलवामा हमले में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। चीन से दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर भारत अलर्ट है। शनिवार को दिल्ली में वायरस को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम हेल्थ और सिविल एविएशन सेक्रेटरी मौजूद थे। वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है।
बैठक में संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही देश भर के एयरपोर्ट को एडवाइजरी जारी कर चुका है।